तो दोस्तों आप लोग को ये तो पता होगा कि ड्यूरासेल यार बैटरीज तो जरूर बनाती है, बट क्या आप लोगों को ये पता है कि ड्यूरासेल पावर बैंक्स भी बनाती है। यस गाइस, ड्यूरासेल ना पावर बैंक्स भी बनाती है। एंड गाइस 10,000-20,000 mAh की भी पावर बैंक्स बनाती है। मेरे पास यहाँ पे 10,000 mAh की पावर बैंक है। मैं ना बहुत दिन से अपने आईफोन के लिए सोच रहा था एक पावर बैंक लेने का, तो यार मेरी नज़र ड्यूरासेल पे पड़ी एंड मैंने ये ऑर्डर कर लिया। क्योंकि एज़ वी ऑल नो भाई, ड्यूरासेल की जो बैटरीज होती है ना, जो सेल आती है, तो यार इनकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी होती है। एंड ना सारे जो मार्केट में बैटरीज है एवरेडी के या जो भी बैटरीज है ना, उनसे ये हमेशा बेटर रहता है। तो यार इस वीडियो में हम इसे अनबॉक्स करेंगे एंड देखेंगे क्या ये 10,000 mAh की जो पावर बैंक है ड्यूरासेल की, इज इट रियली वर्थ इट, एंड क्या क्या फीचर्स है, सबके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, इस तरीके की कुछ पैकेजिंग है। यहाँ पे फीचर्स है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। स्मार्ट आईसी, अल्ट्रा प्रोटेक्शन, ट्रिपल पोर्ट, तो यार काफी सारे फीचर्स है इसमें। एंड ना पैकेजिंग काफी अच्छी है, तो इसे मैं खोल लेता हूँ। अंदर ऐसा आपको कुछ बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड गाइस एक चीज और है, यहाँ पे जो ये बॉक्स है ना, इसमें आपको चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। काफी कमाल की है, ब्रेडेड है। एंड जो क्वालिटी है ना, टाइप सी टू यूएसबी ए दे रखा है, काफी कमाल की क्वालिटी है इसकी। जल्दी से इसे खोल लेते हैं। तो भाई ओवरऑल जो पैकेजिंग है काफी प्रीमियम है, वेल डन ड्यूरासेल, काफी प्रीमियम पैकेजिंग है। एंड सामने आप देखो कितनी प्रीमियम यहाँ पे पावर बैंक देखने को मिलती है। भाई ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ट्रेडमार्क है ड्यूरासेल का, काफी कमाल की है। यहाँ पे आपको 2 यूएसबी ए पोर्ट देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको टाइप सी एंड माइक्रो यूएसबी है, यूएसबी ए पोर्ट जो दोनों दे रखे हैं, इससे आप मोबाइल्स को चार्ज कर सकते हो, इवन टाइप सी से ना चार्ज कर सकते हो एंड पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हो। बट ये जो माइक्रो यूएसबी, इससे सिर्फ पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो। ये बटन देखने को मिलता है, इसमें ऑन करूँ एंड आउट ऑफ द बॉक्स ये फुल चार्ज आती है, तो ये काफी अच्छी चीज है भाई। काफी कमाल की बिल्ड क्वालिटी है, देखने में काफी कमाल की लग रही है। तो ये है हमारे पास ड्यूरासेल की पावर बैंक। एंड इसके कुछ क्विक स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, टाइप सी इसमें दे रखा है, जिससे ना आउटपुट भी मिलती है। मतलब टाइप सी केबल से टाइप सी टू टाइप सी चार्ज कर सकते हो, टाइप सी टू लाइटनिंग भी चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा 2 यूएसबी ए पोर्ट मिलता है एंड इससे भी चार्जिंग होती है। माइक्रो यूएसबी एंड टाइप सी से पावर बैंक भी चार्ज होती है एंड 22.5 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। एंड आपको इसमें 2 ईयर की वारंटी भी देखने को मिलती है। तो यार लुक वाइज या बिल्ड की बात करूं तो काफी कमाल की बिल्ड है, काफी स्लिम है आप देख सकते हो एंड काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। एंड यहाँ पे जो कट है ना, यहाँ पे आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल ना पावर बैंक की क्वालिटी काफी अच्छी है, इन हैंड फील काफी अच्छा है एंड जैसा आपका फोन होता है ना, साइज भी वही है एंड विड्थ भी वैसी ही है, तो काफी अच्छा लगता है इसे पकड़ने में। टच एंड फील के मामले में बिल्कुल प्रीमियम लगता है। एंड यार इसकी प्राइस की बात करूं तो 1600 में ये अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। एंड गाइस इस प्राइस के हिसाब से ना काफी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, ट्रस्ट मी। लाइक एमआई एंड रियलमी दोनों ही यार पावर बैंक्स बनाते हैं, बट ना इस प्राइस रेंज में ना ऐसी बिल्ड क्वालिटी एंड ऐसी प्रीमियमनेस मुश्किल है उनके लिए। आपको यहाँ पे एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है जो कि इंडिकेट करेगी कि आपका कितना परसेंट चार्ज हुआ है। इसमें आपको पीडी चार्जिंग भी देखने को मिलती है। एंड गाइस ये ना स्मार्टली डिटेक्ट करता है, अगर आप इसमें कोई भी डिवाइस लगाओगे ना तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगेगा, हटाओगे तो फिर पावर बैंक भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इसके जो बटन है ना वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, ऐसा नहीं कि यार चीप यूज़ किया है, तो जब आप इसे क्लिक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बटन है। जो स्मार्ट फीचर्स है ना, जैसे आपको शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ओवर टेम्परेचर जो ओवर हीट होती है ना उससे बचाता है। जब आपका फोन यार ओवर हीट होने लगा चार्ज से या पावर बैंक ओवर हीट होने लगा, तो वो उसे ना स्मार्टली कैलकुलेट कर लेता है एंड उस हिसाब से चार्जिंग स्पीड घटा या बढ़ा सकता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। ओवर करंट, ओवर वोल्टेज जो भी है ना वो सब ये झेल लेगा। सो बेसिकली ये काइंड ऑफ सर्ज प्रोटेक्टर भी हो सकता है आपके फोन्स के लिए जब आप अपने फोन को इस पावर बैंक से चार्ज करते हो। तो मुझे तो यार फीचर वाइज काफ़ी कमाल की लगी है एंड चार्जिंग स्पीड भी यार काफ़ी कमाल है। मैं अभी 14 प्रो यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे ना ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। एंड आईफोन 13 भी मैं इसी से चार्ज करता हूं एंड इससे पहले मैं ट्रैवल कर रहा था तो इसी पावर बैंक को लेकर ट्रैवल कर रहा था, तो यार मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बैकअप में। ऐसा नहीं कि बैकअप अचानक से कम हो जाए, तो डेफिनेटली यूनिक तो लगता है, काफी प्रीमियम डिजाइन है। तो डेफिनेटली गाइस अगर आप एक पावर बैंक ढूंढ रहे हो 10,000 mAh की या 20,000 mAh की ना, तो ड्यूरासेल का डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। सारे लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं, टाइप सी देखने को मिलता है, एक अच्छी चीज़ है यूएसबी पोर्ट भी दे रखा है, यूएसबी ए, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इवन माइक्रो यूएसबी पोर्ट भी दे रखा है इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए। तो डेफिनेटली गाइज ये काफ़ी अच्छा बाय है जिस प्राइस पे ये आ रहा है, 1600 के प्राइस रेंज पे। तो जाके चेकआउट जरूर करना, बाय लिंक नीचे दे दूंगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया है, अच्छा लगा है लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।